अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड पुडिंग, बहुत ही टेस्टी और यमी है, और जो एग नहीं खाते उनके लिए खास करके है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैंने एक तपेली में 2 से 2.5 चम्मच शुगर ऐड कर दी है, और इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसे ऐसे ही हमें शुगर को मेल्ट करना है कि इसकी फ्लेम स्लो रख के, और तब तक मेल्ट करना है जब तक शुगर ब्राउन रंग का मतलब कन्वर्ट ना हो जाए। और दोस्तों आप उसी बाउल में मेल्ट करना जिस बाउल में आप पुडिंग बनाना चाहते हो। एक्चुअली मुझे तपेली में ही बनाना था, लेकिन जिस तपे कढ़ाई में मैंने पानी बॉइलिंग के लिए रखा है वो उसमें फिट नहीं होता, इसलिए मैंने बाउल में शिफ्ट किया है। तो वो आसान रहता है कि जो बाउल में बनाना है उसी में हमें मेल्ट कर देना है। तो गरम गरम ही मैंने बाउल में ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मैं हर तरफ चाशनी को कर रही, ताकि जब इसमें पुडिंग बने तो अच्छा शेप अच्छा दिखे और टेस्ट भी हर तरफ से अच्छा मिले। तो देखिए ये ठंडा हो गया है, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। तो बस ऐसे ही हमें सेट करना है। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने 500 ml दूध लिया है, मतलब आधा लीटर मैंने दूध लिया है, और गैस की फ्लेम हाई है। और अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूंगी। तो शक्कर मैंने 5 चम्मच ली है अपने मीठे के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो मीठा तो आप 6 से 7 स्पून डाल सकते हो इसमें। तो शक्कर डालने के बाद हमें इसे बॉईल आने तक इसे पकाना है शक्कर के साथ। तो अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कस्टर्ड पुडिंग बनाई है, तो इसमें कस्टर्ड डालना ज़रूरी है। तो मैंने 3 टीस्पून भरकर कस्टर्ड ऐड किया है, और इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते, दूध डालना चाहते हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो हम मैं अभी इसमें पानी डालूंगी। तो पानी डाल के मैं इसे अच्छे से गोल लूंगी। एक तरफ हमारा दूध बॉईल हो रहा है, जिसमें मैंने शक्कर डाली है, वो बॉईल होते ही हम ये कस्टर्ड उसमें ऐड कर देंगे, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना वैसे ही। लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो सिंपल है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। और जो अंडा नहीं खाते, जिसे पुडिंग खाना पसंद है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, और बहुत ही मतलब हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट को ठंडा ठंडक करता है कस्टर्ड, तो बहुत ही अच्छे फायदे हैं इसके भी। तो देखिए दूध दूध हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन और थोड़ा बॉयल आन देते हैं और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, और मैं कस्टर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसे अच्छे से हमें हिला देना है, क्योंकि इसमें लम्ब्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो कस्टर्ड डालने के तुरंत बाद ही हमें इसे अच्छे से हिलाते रहना है। तो बॉयल अच्छे, गैस की फ्लेम मेरी हाई है, मतलब फास्ट है, तो इसे इसमें ही मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ। जो कस्टर्ड के बाउल में मेरा थोड़ा कस्टर्ड मुझे लग रहा है, तो मैं पानी डाल के वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जाए। तो ये भी ऐड कर दूँगी, और हम 2 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे, और आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सिंपल है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, या अगर आप और कोई रेसिपी बनवाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब इस पॉइंट पर हम ब्रेड क्रम, हाँ ब्रेड क्रम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं एग वाली पुडिंग में भी ब्रेड क्रम यूज़ करती हूँ, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। ब्रेड क्रम से हमारी पुडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से थिक हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट पॉइंट रहता है। एक मतलब ब्रेड के बिना भी पुडिंग बनती है, लेकिन ब्रेड का एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो पुडिंग को अच्छे से हार्ड करती है। बहुत हार्ड नहीं, मतलब स्मूथ ही रहती है, लेकिन उसको परफेक्टली शेप भी देती है, और अच्छे से हम उसे बना सकते हैं। तो ब्रेड का बहुत अच्छा उसका होता है। तो मैंने 4 पीस ब्रेड के उसको ब्रेड क्रम मतलब पीस लिया है मिक्सर में, और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा इसका मतलब टेस्ट है, और अच्छे से हमें इसे 2 मिनट पका लेना है ब्रेड के साथ, इसे हिलाते हिलाते ही पकाना दोस्तों। तो इससे क्या होता है, लम्ब्स नहीं बनने चाहिए। तो देखिए ब्रेड मैंने जितना भी मैंने चार मैंने कहा था ब्रेड लेके मैंने इसे पीसा है, तो ये सारा ब्रेड मैंने इसमें डाल दिया है, और इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए।
तो ये मेरी गैस की फ्लेम मैंने स्लो नहीं की है, फास्ट ही है, और मैं इसे लगातार हिलाकर ही पका रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े और अच्छे से वो पकता भी रहे। तो मेरा ये पूरा मिश्रण तैयार है और अब इसे मैं दूसरे बाउल में, जो जो बाउल में मैंने शक्कर मेल्ट की है ना, उस वो बाउल में सेव कर दूंगी। तो गैस की फ्लेम हम स्लो करके इस पर वो कढ़ाई भी रख देंगे जो कढ़ाई में हमें स्टीम करना है। ये हटा के देखिए, मैंने ये कढ़ाई रख दी है और इसमें स्टैंड रख दिया है, और जो जिसमें मैंने शक्कर का रख किया था ना, उसमें ये सारा मिश्रण डाल दूँगी। है ना दोस्तों, सिंपल, बिल्कुल भी झिकझिक नहीं है, और बहुत मतलब ये 5-10 मिनट में ये रेडी हो गया था, और स्टीम करने के लिए हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लगती है। तो 25 से 30 मिनट में इसे स्टीम करूँगी और इस पर फॉइल पेपर लगा दूँगी ताकि जो हमारा पानी होता है ना, इसमें ना जाए। तो आपके पास फॉइल पेपर या कोई भी, मतलब जो भी आप रखना चाहे पेपर कुछ भी, तो आप इसे अच्छे से ढककर रख दीजिए। और अब हम इसमें इसे कढ़ाई में रख देंगे जिसमें हमने बॉईल करना, बस स्टीम करना है। तो बस 30 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे, और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर रख कर, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था, 2 घंटे के बाद मैंने बाहर निकाला है, और ठीक है, आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट था दोस्तों, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने इसमें कोई डेकोरेट नहीं किया है, सिंपल है, और सिंपल ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है तो और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही सर्व किया और माशाल्लाह टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस मेरी सिंपल सी रेसिपी आपके सामने रेडी है, और मैं आपको कट करके बता रही हूँ कि ये सॉफ्ट तो है ही, लेकिन उसका मतलब बहुत परफेक्ट लुक है जो हमें बताता है कि हाँ ये सही बना है। तो देखिए, अंदर से भी सही परफेक्टली ही पुडिंग बनी है, जैसी एग की बनती है वैसे ही कस्टर्ड की भी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।